आज हम करने वाले हैं 12 आवर्स रिक्शा चैलेंज। सो गाइस आगे लाइक करना, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 रुपए सवारी हल्की होया भारी, लेट्स गो। बैठा ऐसे पीछे उल्टा, मुझे बचपन में मतलब जैसे हम लोग रिक्शा दिखता था तो मम्मी से सबसे पहले मैं कहता था भाई मैं पीछे बैठूंगा वाला सीन। मतलब तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आप लोग भी बचपन में पक्का कहीं ना कहीं बैठे होंगे इसके पीछे ऐसे उल्टा करके। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कैसे बैठेंगे। तो गाइस मुझे इतना मतलब खुशी होती थी, मतलब जैसे रिक्शा आती मैं कहता था भैया पीछे बैठूंगा। पीछे जो व्यू दिखता है ना भाई, पीछे जो गाड़ियां आ रही होती हैं वो आती है, वो सब भूल चुके हैं यार। मतलब अपना कल्चर भूल चुके हैं हम लोग सारे, मतलब इस टाइम पे मतलब उनकी मेहनत भूल चुके हैं, उन बिचारों की मेहनत भूल चुके हैं। उन लोगों का रिक्शा ठप हो चुका है, वो लोग घर में बैठ चुके हैं। और उन भाइयों के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि रिक्शा दोबारा चालू हो जाए, उन लोगों को भी पैसा मिलना चालू हो जाए। अगर आप लोगों को कोई भी रिक्शा वाला दिखता है ना गाइस, उनके लिए कभी हॉर्न मत मारा करो। जैसे आप लोग पीछे गाड़ी चला रहे, उनके लिए कभी हॉर्न मत मारना क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत से गाड़ी चलाते हैं। उनके लिए हॉर्न मत मारा करो पीछे से कि हट हट कभी मत बोला करो, बिकॉज उन लोगों का बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। और 10 रुपये में वो लोग बहुत दूर दूर चले जाते हैं गाइस। तो ये स्ट्रगल हम लोग आज दिखाने वाले हैं। ये इसका मोटिव ये नहीं कि हम लोग चैलेंज करें, इसका मोटिव ये है कि जागरूकता बढ़े। जो टुक टुक में जा रहे हैं लोग, इसमें जा रहे हैं, ये जो रिक्शा दिखता है, रिक्शा देखते ही टुक टुक छोड़ के रिक्शा में बैठ जाओ भाई, क्योंकि उनकी मेहनत है यार। और उनको दो मतलब 10-20 रुपए ज्यादा दे दिया करो, फालतू दे दिया करो। तो मतलब ये उसी के लिए है। तो जितने रिक्शा वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनका अभी रिक्शे से कुछ और शिफ्ट हो गया, तो भाई उनके लिए मैं मतलब दिल से मुझे बुरा लग रहा है कि उनका रिक्शा ये चीज बंद हो गया टुक टुक के आने की वजह से। बट हाँ गई, तुम्हारे लिए मैं ये कर रहा हूँ और तुम लोगों के लिए ये चीज मतलब मिल ले, ऐसा कि मुश्किल पड़ेगी बट हाँ करूंगा, दिखेगा मेहनत दिखेगी इसमें पूरी आप लोगों को। तो दिखाता हूँ कि कैसे बैठते थे बचपन में हम लोग। तो बड़ा हो गया हूँ, पैर ही नहीं आ रहा पूरा, ऐसे बैठने वाले हुए ऐसे करके दो दो आ जाने वाले हो, यहाँ पर तीन तीन मेले जाने वाले हो, बिल्कुल भर के गति मजा आता था गाइस। वही मतलब दिन याद आते हैं पुराने यार। तो चलते हैं फिर मुला बनाते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। चलो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे हमारी दिल की धड़कन और बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और हाँ, वहाँ पर देखना है पब्लिक कितनी है क्या है, और टुक टुक वालों को देनी है मास्क, क्योंकि टुक टुक वाले हमारी सवारी खींच सकते हैं। तो उनसे पहले हमको सवारी लेनी पड़ेगी और उनसे पहले हमको ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। तो टाइम जैसे जैसे बीत रहा है हमारे वैसे वैसे चार डैश से हो रही है। किससे? चार डैश से, फटके चार, लेट्स गो। तो गाइस हमारा सफर होता है यहीं से शुरू। तो अभी हम निकलेंगे मार्केट को, अभी हमें जंगल के साइड को मार्केट को निकलते हैं, देखते हैं कि सवारी हमको मिलती है नहीं मिलती है। और जहां तक होप है सवारी मिलनी चाहिए, लेट्स गो करते हैं, चलते हैं फिर, लेट्स गो। शुरू करते हैं वीडियो। अंकल क्या बोलते हो, मिलेगी नहीं मिलेगी सवारी? मिलेगी ना, चले चल। तुम हमारी सवारी के बीच में बता रहे, ठीक है? सबसे पहले अपने बस अड्डे में, बस अड्डे में ज्यादा भीड़ होती है, तो वहां से सवारी उठाने की कोशिश करते हैं। मैं शुरू करते, देखते कौन सा आता है, कौन सा। चलो
आंटी यहाँ रिक्शे में जाओगे आओ ना रिक्शे में आओगे हाँ पक्का बचाऊंगा आओ कुछ नहीं होगा आओ आओ तीन जने समान आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा दो जने आ जाओगे एक जनों समा जाओ पहला रिजेक्ट होते बहुत अच्छा लग रहा है रिजेक्ट हो चुका है कोई दिक्कत नहीं ऐसी आंटी मिलती रहती है अभी और आंटी आएंगी उनको पकड़ेंगे ले इसको आ रहे हो आंटी आ जाओ फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ पहली सवारी मिल चुकी है बहुत खुशी हो रही पहली सवारी मिलके आंटी को हमारी तरफ से एक पानी डॉट बता दो हमें कैसा लगा आपको बहुत अच्छा लगा और आप क्या कहना चाहोगे कि इसमें ये चलना चाहिए दोबारा ये दोबारा चलना चाहिए इसमें प्रदूषण भी नहीं होता है सबके लिए अच्छा है और जो भी सारे गरीब है उनके लिए भी आसान है और अच्छा है सबके अच्छा, लिए अच्छा आंटी हमारे पहले कस्टमर तो आपके लिए कोई कुछ भी नहीं पैसा नहीं लगेगा आप लिए ठीक है धन्यवाद थैंक यू ऐसे कर देते लेट्स गो पहला सवार हो चुका पूरा पहले रिव्यू बोला बहुत अच्छा आंटी हमारी गाड़ी में बैठ गई कोई बैठ नहीं रहा था आंटी ने बोला मैं बैठती हूँ और आंटी बैठी आंटी को हमने आता छोड़ा थैंक यू आंटी तो गाइस फर्स्ट सवारी तो हमारी कंप्लीट हो गई अब हम जा रहे हैं दूसरी सवारी की तलाश में देखते हैं अब हम कोई मिलता है नहीं मिलता है बहुत सारे रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं कोई नहीं बैठ रहा कोई नहीं बैठ रहा देखो भाई तुम लोग टुक टुक में बैठो भाई आज का दिन तो है आज मेरे साथ बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई मैं तभी तो बोल रहा हूँ कोई किसी के साथ नहीं बैठता यार आज के टाइम में टुक टुक आ गए सब लोग भूल चुके हैं इस रिक्शा जिसमें तुम लोग बचपन में बैठने के तड़पते थे भूल गए चलो फिर दिखाते हैं आपको देखते हैं सवारी मिलती है नहीं मिलती है तो करते सवारी की तलाश वो सवारी दिखी है अभी पूछते इस बार भी रिजेक्शन मिला तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा बट हेलो 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 कैसे चलोगे हमारे साथ आप क्या करोगे अपने क्या करते हैं देखा मेरे को आ नहीं सकते फिर हम रिक्शा वाला चैलेंज कर रहे हैं इसमें क्या है कि जो रिक्शा बंद हो गए हैं उनको दिखाना है कि भाई जो रिक्शा बंद हुए हैं सब टुक चलाने लग गए हैं 1.5 लाख का जो टिकट नहीं ले पाते हैं उनके लिए रिक्शा हर चीज हमारी वीडियो से अगर आप जा सके तो कर सकते हैं आप इतना तो कर सकते हैं ना और भी दूंगा पैदल भी जा रहे हो आप लोग एक काम कर लो माइक पकड़ और जैसे पूछूंगा आपसे जो भी सवाल होंगे उसका जवाब दे सकते ठीक है आप बैठो 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 तो गाइस फिर से मिल चुकी है एक और सवारी फिर खुशी के साथ लेट्स गो करते हैं आओ बैठो कंफर्टेबल है गिराऊंगा नहीं डरो मत दो सुंदर सुंदर लड़कियां हमारे साथ बैठी है पीछे सुंदर सुंदर लड़कियों को छोड़ के आते हैं ट्यूशन लेट्स गो अब एक बार ना बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का कि आप लोग हमारे रिक्शा में थे आपका जो मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ आपका जो मन करे वो दे सकते हो मेरे को कि हल्की फुल्की मेरी भी मेहनत है और आपकी 50 ये पढ़े आपके अगर नहीं पढ़े तो मत बचा कुछ पढ़े यही है कुछ खाना तो नहीं है मेरी तरफ से खा लो बट वैसे क्या ये पढ़े हमने ये दे दिए हाँ पक्का पक्का इससे मिले हमको ₹50 की बनी हमारी स्टार्टिंग की हमारा मतलब कि पैसा भी खा लिया तो कुछ नहीं है फिर आप उसके पापा शुक्रिया अब बोल के बोल नहीं पा रहा देखो इतना मेहनत लगता है दो चलाते होंगे बचपन में जब उनके साथ बैठते थे इतनी मेहनत लगती है ना थैंक यू सो मच सर
आगे के लिए आपके लिए बहुत कॉल करूँ, ठीक है? चलो थैंक्स। पता नहीं सर कशिश को बैठा के बहुत अच्छा लगा, थोड़ी भारी भी थी दोनों, पर मैंने बोला जिम जाओ, जिम जाएंगे तो अच्छी बात। अरे मेरा फोन तो दे दो, फोटो 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 सब्सक्राइबर साथ ही साथ रिक्शे वाले के साथ सब्सक्राइबर मुझे इतना फॉलो करके फॉलो कर दिया। Oh my God, follow back की डिमांड आई है। दो सवारी बिठा के आज की हमारी पहली बनी हुई है 50 रुपए से स्टार्ट गाइस। तो मतलब देखो अभी तक मैंने सिर्फ 50 रुपए कमाए हैं वहां से यहाँ तक के, अभी नेक्स्ट सवारी हम लेने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत नेगेटिव चीज भी मिलती है और बहुत पॉजिटिव चीज भी मिलती है। कुछ लोग बोल रहे हैं तू ही जा हम कहाँ जाए, तू ही कर ले हम क्या करें, मतलब शरमा रहे हैं वो लोग और उल्टे उल्टे जवाब भी दे रहे हैं, बट उनका जवाब अभी देना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो गाइस उनका जवाब मेरे को मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है उन लोगों से, मुझे वीडियो बनाने से मतलब है, मुझे कंटेंट बनाने से मतलब है, मुझे अच्छी अच्छी चीजें दिखाने से मतलब है। जो ये लोग उल्टे कमेंट्स दे रहे हैं, जो उल्टे कमेंट्स पास कर रहे हैं मेरे को कि भाई ये रिक्शा चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। क्या लिखा है अंकुर रिक्शे वाला, 10 रुपए सवारी हल्की हो या भारी, लेट्स गो। बाइक में आया तभी ले जाता तुमको, 10 रुपए सवारी हल्की हो या भारी, जहाँ बहुत सारी सवारी मिलती है। तो लेट्स गो, सवारी की तलाश में तो हम हैं, अब देखो सवारी मिलती है नहीं मिलती है। चलो तुम्हारे रिजेक्शन मिल चुका है एक और जगह से, बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रिजेक्शन रिजेक्शन के अंदर ही होता है एक्शन। चलो मुंबई माइकल देख सकते भी देख रहे हैं। चल रहे हो क्या आगे तक? कहाँ देख रहा है? नहीं आप लोग मैं ये बस अभी चल रहे हो आगे तक जाना है नहीं जाना है भाई ना मिल लोगी। हाँ यार कहाँ है सवारी, खाली खाली टामा दे दिया। सवारी टूटते टूटते हो गया हमको लगभग 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे से मिली हमको सिर्फ 2 सवारी। तो गाइस 2 सवारी और बाकी सब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिला बिकॉज ऑफ कोई नहीं जाना चाहता इसमें, सब लोग जाना चाहते टुकटुक में। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई ये बहुत ही गलत बात है, दिस इज नॉट फेयर, बट मिलेगी कोई दिक्कत नहीं, मिलेगी मिलेगी अभी मिलेगी बहुत सारी मिलेगी। आज से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल जा रहे हैं तो सब्सक्राइबर फोटो खिंचा के नॉर्मल चले जा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी हमको सवारी ढूंढनी है तो सवारी मिलेगी। सवारी की तलाश में हम लोग लगे बढ़े घूमे बढ़े, आप देख ही रहे होगा कितना मेहनत लगता है भाई, कितना मेहनत लग रहा है, ये चैलेंज करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अरे बेटा कॉलेज छुट्टी हो गई अब नहीं सवारी, चलो आओ शर्मा की यार आओ आओ ना, हेलो पक्का आओ फिर भाई जगह बताओ, जगह बताओ कहाँ पे जाना बताओ। अरे ऐसे शर्मा होता है कब तक शर्मा हो गए, आओ बैठो बैठो कहाँ पे जाना है ये बताओ, वापस भी लेके आओगे। तीसरी सवारी हमारी जिनके आप बिल्कुल पैसा नहीं है लेकिन हम फ्री में ले जाने वाले हैं।
शूट करते करते हमको हो चुके हैं 2 घंटे, और 2 घंटे से हाँ बहुत सारी सवारी मिल चुकी है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और सबके रिव्यू यही है कि हाँ भाई, मतलब बचपन में बैठे थे, बचपन के बाद से आज बैठे हैं, तो यही रिव्यू देखने को मिल रहे हैं। भाई इसमें मैं सही बताऊँ ना, जनरली बताऊँ, बहुत ज्यादा मेहनत है यार। उन अंकल लोगों को मेरा सैल्यूट है भाई, दिल से सैल्यूट है कि वो लोग इतने दिन दिन रात चलाते हैं। हमने तो 12 घंटे का करा, वो 24 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे चलाते हैं। हमारे 12 घंटे का सफर ऐसे पूरा होने वाला है धीरे धीरे। बहुत लोग मिल रहे हैं अब, यहाँ से बहुत लोग और मिलने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है सीन। चलते हैं फिर, दिखाते हैं आप लोगों को, लेट्स गो करते हैं। पैर मेरे भाई बहुत कांप रहे हैं, मतलब ऐसा हो गया ना, शिवर कर रहे हैं, थोड़ा हल्का चलाने में ऐसे 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 हो रहा है। रियली बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा यार। बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, मतलब कोई रुक भी नहीं रहा, और रुक भी रहा तो मना कर दे रहे सब, तो रिजेक्शन बहुत मिल रहा है हम लोगों को। बाकी देखते हैं क्या होता है सीन, अभी आते हैं तो फिर उनको बैठाते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर लेट्स गो करते हैं। चलो आओ। तो गाइस दूर से दो लड़कियों का हाथ में देख रहा हूँ, देखते हैं अगर वो लोग मानते हैं आने के लिए तो करते हैं। थोड़ा मैं ऐसा ना, क्या पता मैं क्या हैंडसम नहीं लग रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या जो हो रहा है, लोग लग रहा हूँ हैंडसम में, बिल्कुल लग रहा हूँ। चलो फिर लड़कियाँ देखते हैं, अब लड़कियाँ आएंगी तभी हैंडसम लगना चाहिए। चल दो क्या आगे तक है, सुनो तो नहीं, एक सेकंड टीम क्या है ना, चैलेंज कर रहे हैं 12 घंटे हम लोगों को चलाने हैं हिस्सा, और अभी तक हमारे मतलब जितना भी रिजेक्शन मिलता है, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, उसको हम बैठना है, और जितना आपके पास है जितना भी अमाउंट है भीड़ जितना भी है उतना ले सकते। रेडियो दो जने और मान चुके हैं, देखो इनको कहाँ तक जाना ले जाते हैं, और भारी भी नहीं है उतने, हल्के हल्के हैं, चलेगा। भाई दो पहले मिले थे वो बहुत भारी थे, बढ़िया हल्के हल्के, तो मिल जाते हैं, मजा आने वाला है। मेरा कहना क्या है पता है, जो टुक टुक में जाते हो ना आप लोग, वो बहुत चल रहे हैं, लेकिन जिनका रिक्शा है ना, और उनके मतलब जिनका रिक्शा है उनका मतलब काम थपी हो गया बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि अगर स्टार्ट हो पाए मेरे वजह से, थोड़ा बहुत स्टार्ट हो पाए तो चलेंगे। ना मानोगी और मिल चुके ये हमारी जिनकी दूसरी कमाई, और बहुत अच्छा लग रहा है 20 रुपए कमा के, अभी खुद की मेहनत की कमाई से। थैंक यू सो मच। Let's go! अंकल लोग बताओ, तो मैंने सोचा कैसे है वो? मतलब ऐसा है ना, टुक टुक बहुत चल रहे हैं, अपने खटीमा में एक भी रिक्शा नहीं है, नहीं एक रिक्शा नहीं है, और सारे रिक्शा वाले को क्या हो गया कि काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी झांसा में रिक्शा लेके आ रहा है ना, उनका भी एक भी मतलब ऐसा है कि वो बेचारे अपना रिक्शा साइड में लेके खड़े थे, हमने कहा हमको वीडियो बनाने के लिए, तब जाके बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए। तो चक्कर में सोचा क्या पता हमारे से हो पाए, हल्का फुल्का हो कि नहीं, 10 रुपए सवारी यार, और इतनी मेहनत से चलाया है ना भाई, मुझे बचपन के दिन याद आ गए, बचपन हम लोग बैठते थे, और वो अंकल की इतनी मेहनत, वो दिन रात लगे रहते थे, दिन रात दिन रात, हम तो 12 घंटे का कर रहे हैं, बोलो करते थे हेलो 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 कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो हेलो 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 कैसे हो नमस्ते 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 कैसे हो ठीक हो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कैसा लगा फिर आप लोगों को, मजा आया आपको, मजा आया ना, मजा आया, थैंक यू। तो गाइस अभी तक जितने रिव्यू मिले बहुत अच्छे मिले, सबका रिएक्शन अच्छा आया, बट ऐसे मेहनत बहुत भयंकर मेहनत है, दिन रात के जो लगे रहते हैं सब लोग, उसकी मेहनत बहुत है। तो मेरा दोबारा एक बार सैल्यूट है सारे रिक्शा वालों को, सारे रिक्शा वाले अगर हो सके तो दोबारा शुरू करना, मेरे उससे हल्का फुल्का हो पाए, शुरू करने के बाद 10 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी, लेट्स गो। और मैं बताऊं मैंने कंटिन्यू मतलब बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया है, कंटिन्यू चलाने में हूं, और कंटिन्यू चलाने के बाद हालत कुछ ऐसी हो गई सस्ती, बिल्कुल खाना भी नहीं खाया है अभी तक, तो कोई सवारी दिख रही है, अरे नहीं यार बेरोजगार हो जाएंगे, नहीं होगी बेरोजगार,
आज सही था ना, आप ये सड़क परिवहन शूट कर रहे हो सर, पूरा ट्रैफिक तुमने वो कर रहा सर, मैंने ट्रैफिक छोड़ना करा है। नमस्ते सर, ट्रैफिक जाम नहीं करा सर, ट्रैफिक का ट्रैफिक की बात नहीं है। अगर चालान कट सर, चालान काट सकते सर, मैं रावत जीएस कॉमेडी करके मेरा यूट्यूब चैनल है, रावत जीएस कॉमेडी करके मेरा यूट्यूब चैनल है। क्या है चैनल? है चैनल करता क्या है, काम क्या करता है? पेपर दिखाओ, उसमें कौन सा चालान बनता है? ये बैठा था किसी को ऐसे छोटी मोटी चीजें होती रहती है छोटे मोटे शहर में, और ये हमारा कुछ तो कर पाएंगे नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं, आ गए। चलो चलो, अभी देख ही लिया होगा आपने, रिक्शे में कौन सा चलान होता है मेरे भाई? रिक्शे में भी हेलमेट पहने क्या? चलो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, वीडियो बनने डरता है क्या? करते करते हो गया हमको बहुत ज्यादा टाइम, और दूसरी बात ये कि जैसे उनने रोका हमको, कुछ नहीं कर पाया हमारा, मतलब वैसे उनका मतलब देखो ना, पैसा लेने के लिए क्या बोले, आचार संहिता चल रही है और मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मेरे से डीएल मांग रहे हैं भाई, रिक्शे के डीएल मांग दे रहे। और हिमांशु भाई मतलब गाड़ी उनका चला रहे, मैंने बोला जो गाड़ी चला रहा है उसका डीएल मांगेंगे ना, जैसे उनको लगा कि अब इसका आगे कुछ नहीं होने वाला, इस बंदे ने वीडियो ऑन कर दिए तो वैसे डर गए वो लोग, तो वैसे उन्होंने फिर छोड़ दिया। भाई मेरे वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं डालूंगा ये वीडियो। तभी बोलते हैं ना कि कुछ भी चीज है तो सोच समझ के करना चाहिए, जब तुम लीगल हो, जब तुम्हारे कुछ मतलब इनका प्रूफ नहीं होता फिर ऐसे ही करते, तो डरना कभी नहीं है, सीधे वीडियो ऑन करो, डायरेक्ट वीडियो ऑन करनी है। कुछ नहीं बोले, बंद कर बंद, मैंने कहा क्यों बंद करूँ, फिर ऐसी बात हुई, फिर बोला जाओ फिर जाओ, छोड़ दिया है वो। अरे मैंने वही का कॉल मेरे कान में फोन लगाती, अगले ने जाओ कह दिया, कान में फोन लगाते ही हाँ थर्टी मई आ रहे हो क्या, आओ दस रुपये दस रुपये। हेलो हाँ ठीक करता हूँ, फिर आ रहे हो। हेलो दस रुपये सवारी हल्की है भारी, आ रहे हो, मिल गई पहले। अरे नहीं 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 नहीं, अरे कहीं नहीं बचा, तो गाइस आंटी डर चुकी है बिल्कुल, बोले वीडियो बना रहे कहीं आप कहीं ले जाएंगे तो नहीं, तो उठा उठता तो नहीं कर रही वाली बात है। फाइनली हो चुका है चैलेंज पूरा, और चैलेंज पूरा होने के बाद हमने कमाए हैं कितने 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 70 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं, बाकी हमने फ्री घुमा दिया सबको यार, कोई दिक्कत नहीं, 70 रुपए देने वालों के लिए बहुत अच्छा, जिसने नहीं दी उसके लिए बहुत अच्छा। तो चलते हुए दिखाते हैं आपको, बाकी जो वाला सीन होता है, ये जो पुलिस लोग पुलिस मिले थे, इन्हें क्या करा बताए, रोका और रिक्शे का डील मांग रहे, तो मतलब होता है बोले आचार संहिता चलिए रिक्शे का डील दिखाओ, बट मानसू भाई को बोल रहे मतलब गाड़ी मानसू भाई चला रहे, और मेरे से क्या बोल रहे बताए तू डील दे, मुझसे बोल रहे डील मेरे से मांग रहे हैं। इसका जब हमको पता चला कि कुछ रास्ता ही नहीं बचा है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, भी बोल रहे चलो फिर जाओ जाओ, फिर मैंने एक कॉल घुमा दिया था ना, फिर अपनी बात तो ऊपर तक है, कैडी बात चलती है अपनी, फिर भी कहता हूँ मेरे सामने ऐसे ना खाली, मतलब जब मैं कुछ गलत करूँ ना फिर आना है, ऐसे वैसे आओगे तो फिर तो गलत करने के बाद भी नहीं आ पाओगे, अगर आप लोगों को मिले कोई आचार संहिता में ऐसे कि बोले आचार संहिता है इसमें वो चलन कट जाएगा उसमें चलन कट जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उन लोगों को ऐसा बोलना ना, कौन सा चलन दिखाओ आप लोग, रूल्स बताओ, रिक्शे में कौन सा चलन बनता है, हेलमेट पहना है, सब कुछ है, लाइसेंस है, तब भी उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये लोग की आपका चलान कटेगा, बिल्कुल नहीं माननी, क्योंकि आचार संहिता में ये लोग कमाते हैं, तुम लोगों से लेते हैं, तुम उसे उल्टी उल्टी बातें करेंगे, बोलेंगे इसका चलान है उसका चलान है, बिल्कुल नहीं मानना, वीडियो ऑन कर देना डायरेक्ट जैसे हमने करी, बिल्कुल नहीं करना, इनसे करते हिमांशु भैया से करते कि और क्या कहते हैं ना, हिमांशु भैया गाड़ी चला रहे हैं, मेरे गाड़ी के अंदर हिमांशु भैया है, और मेरे से बोला डीएल दिखा, कोई बात होती है, बाकी तुम बताया भाई तुम्हारे भाई का क्या सीन है, तो मैंने बोल दिया डायरेक्ट कि भाई कुछ सीन नहीं होगा, ना चालान कटेगा ना कुछ होगा, थोड़ी देर बाद तुमने देखा ये छोड़ दिया,
वही बात है यार, ऐसे मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती है, बाकी इन लोगों से नहीं करना है यार। छोटी मोटी चैनल में छोटी मोटी बातें चलती रहती है यार। खाली खाली तो हमारे भी डैमेज कर दिया, उनका भी खुद का डैमेज कर, अब तो वीडियो में आएंगे, मजा आएगा, फिर देखना, मजा आने वाला है सर, देखना, पक्का देखना, ध्यान से देखना इसको। मैम मेरे को पहले से जानती थी और मैम ने आज मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा, मैंने देखा, और सर भी मेरे को पहले, और सर मेरे को किनारे ले जाके बोले चलान होगा, सर आपकी वीडियो डालूंगा मैं, याद रखना, चलान किसका होगा आप याद दिखाना कि ये रिक्शे का कौन सा चलान होता है, मुझे पक्का बताना आप, ठीक है, देख के बताना। ओके चलते हैं, मिलते हैं आपसे। और एक एक और बात है कि सर मेरे से बोल रहे थे कि क्या करता है, तो मैंने बोला यूट्यूब करता हूँ, बस वही करता है बोल रहे थे, और बाकी बोल रहे थे क्या होता है उससे, ये होता है वो होता है, ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी बातें करी उन्होंने, रिकॉर्ड क्या पता रिकॉर्ड भी हुआ हो, मैं देखूंगा उसको, बट उन्होंने सीधे मुझसे कहा क्या होता है उससे, रिक्शा चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इन्हीं नेगेटिव कॉमेंट्स के लिए मैंने ये रिक्शा वाली वीडियो बनाई थी, इसी वजह से, पहले से रिक्शा चलाता है बोल रहे थे, और बोले थे यूट्यूब करता है, क्या होता है यूट्यूब, बोले क्या इसमें क्या करता है, मैंने बोला वीडियो बनाता हूँ, उसकी बात भी नहीं समझ रहा, उसके बाद बोल रहे की क्या 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 मतलब यार, सोशल मीडिया में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो क्या, मतलब यूट्यूब क्या मतलब, इतना उनने मुझे डिमोटिवेट करा उतने सामने, मतलब इतनी सारी चीजें बोली, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ पाया, मतलब वो मतलब कहीं ना कहीं से निकाल रहे थे बेटा वो लोग, कि कहाँ से इनका चैनल निकाल ले, कहाँ से क्या करें, और भाई किनारे ले जाके बोला उसने मुझसे डायरेक्ट, भाई लेकर हमारा चैलेंज पूरा हो चुका है, और गाइस एक चीज बोलूंगा, मेरी इतनी सी थोड़ी सी मेहनत, जितनी मैंने मेहनत करी उतनी सी मेहनत के लिए आप लोग का एक लाइक तो बनता है, और एक शेयर और एक कमेंट पक्का, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी मेरी मेहनत का, अगर आपको कुछ गिफ्ट देना है तो आप लोग एक लाइक शेयर और कमेंट पक्का करके जाना, प्लीज भूलना मत, लाइक शेयर और कमेंट, जहां जहां हो सके वहां शेयर कर देना वीडियो को, और अब आप लोगों को मतलब ये चैलेंज अच्छा लगा और ऐसे और चैलेंज चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसे कैसे चैलेंजेस चाहिए, मैं सब मतलब जो पॉसिबल होगा वो चैलेंज करने की कोशिश करूंगा। तो ये चैलेंज पूरा हो चुका है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, स्टे सेफ, और डांस वीडियो गुलाबी साड़ी वाली जल्दी आने वाली है तो उसका वेट करते रहना, चलते हैं फिर आगे वीडियो कर, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।